दोस्तों सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आ सकते हैं। कल का जो बीजगणित का सूत्र जो हमने बताया था और उन सूत्रों को मुझे सवालों को आज करना है। सवाल कुछ सवाल है मात्र ये पैटर्न से लिख दे रहे हैं, कुछ सवाल है थोड़ा उसको देख लीजिए। आप प्रश्न आपका ये है, पहला क्वेश्चन देखिए यही है, कह रहा है कि थोड़ा सा यदि x प्लस वाई बराबर 9 तथा एक्स वाई बराबर 20 तो मान निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का ज्ञात कीजिए। उसमें पहला क्या है आपका, फर्स्ट स्क्वायर। दूसरा कह रहा है कि इसका मान निकालने के लिए x माइनस वाई का। तीसरा कह रहा है और चौथा बोल रहा है जो आपका x क्यूब, और इसके बाद अगला पूछ रहा है आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब का। इतने सारे इसमें एक बार प्रश्न को समझे, कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 9 तथा x y बराबर 20 कीजिए, उसमें मतलब हमें x यहाँ पर आपका जो है x प्लस वाई 9 दिया हुआ है और तो हमें पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है, फिर x माइनस वाई का मान बताना है, इन सब सारे मानों को बताना करते हैं। देखिए हमें x प्लस वाई दे चुका है, x प्लस वाई आपका 9 है, मुझे x स्क्वायर हमने कल एक सूत्र जो लिखा है, देखिए a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। यहाँ क्या करें हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। का होल वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, जो कल हमने लिखा है ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग कितना हो गया, क्या प्लस टू एक्स वाई का मान हमें 20 दे रहा है, तो 2 गुणे 20 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना होगा 20 बराबर 81। उधर भेजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उधर भेजेंगे तो इधर जाएगा प्लस, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 41। एक का स्क्वायर का मान कितना हो गया 41। अब आगे हम चले दूसरे प्रश्न को, दूसरे का जवाब देने के लिए। अब देखिए x माइनस को ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर ले जो है इस वाले निकल जाएगा हमारा। कैसे देखिए, अगर यहां से हम लेकर चले हमारा हमें देखिए दूसरा प्रश्न इधर हम लगा दे रहे हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए आप मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए यहां सूत्र जो पढ़े ए माइनस बी का होल वर्ग क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस एक्स माइनस का होल वर्ग क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो इसको साथ में रख ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स वाई, यहां से देखिए हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपने मान निकाल आपका 41 है, इसका मान 41 हो गया माइनस टू एक्स वाई का मान कितना दिया है, यहां से कर देंगे ये 20 हो जाएगा, इसे हल किया जाए एक्स माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 41। एक्स माइनस वाई का होल वर्ग बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया, एक्स माइनस वाई कितना बनेगा प्लस माइनस के साथ एक करणीय बन जाता है, एक पक्ष से अगर एक पक्ष में पूर्ण वर्ग होल वर्ग हो तो यहाँ से जब वर्ग हटाएंगे दूसरे पक्ष में और करणी का होता है वर्गमूल, यहाँ से करणी निकालेंगे तो
इसका मान कितना होगा, प्लस वन माइनस मिल गए, एक तो मिल गया माइनस वन, दूसरा मिल गया हमारा क्या एक्स माइनस वाई, दूसरा मान माइनस वन, ए एक्स माइनस वाई का मान। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी सरकारी है, हमें थोड़ा याद आ गया। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा आपसे। आप देखिए इस सूत्र में बताया है एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और देखिए दोनों मान निकाल चुके हैं, x माइनस वाई का मान अगर वन लेंगे तो वन गुणे नौ है, तो वन गुणे नौ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका, माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया नौ, ये देखिए आपका मान आया। अगर आप x माइनस वाई का मान माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन इंटू नौ ये है आपका, तो हम प्लस ही लेकर मान चलते हैं, x माइनस वाई का मान प्लस ही यहाँ से लेकिन हम यहाँ से प्लस या माइनस में, तो अगर प्लस में लेंगे तो प्लस में आएगा, माइनस में लेंगे माइनस में आएगा। अब चलिए आगे हम बात करें, चौथा चौथा प्रश्न आपका ये कह रहा है, देखिए प्लस वाई क्यूब का जो खंड होता है एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है आपका, यहां से मान रखे एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई आपको नौ दिया हुआ है, इसका मान नौ रखे, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब मान रखा जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नौ, मान अभी आपने निकाला था शायद इकतालीस आया था, नीचे हटा दिया हमने, इकतालीस है माइनस एक्स वाई का मान रख देंगे, एक्स वाई का मान भी इसे हल करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर नौ, इसे गुणा किया जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मान जो होगा नौ एक कम नौ, नौ दूनी अठारह एक सौ नवासी आ गया। जवाब दे सकते हैं पांचवें प्रश्न का, इसका मान पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल x माइनस वाई, यहाँ देखो हमने लिख चुके हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, यहाँ क्या होगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व किया जाए तो होगा एक्स क्यूब और एक्स माइनस वाई का मान अभी आपने निकाल चुका है वन है तो वन हो गया, फिर एक्स स्क्वायर से बीस दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इकतालीस रख देंगे, कितना आएगा आपका यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए सवाले हैं जो पूछे हुए हैं दिए हैं इनको हम करते हैं। तो पहला देखिए इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि यदि x माइनस y बराबर चार तथा x इंटू वाई बराबर बारह हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, बस सूत्रों पर करना है। देखिए ये दिया गया आपका x माइनस y का मान चार दिया हुआ है, वाई का मान बारह दिया हुआ है, तो हमें पूछा किसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा हुआ है, तो मान क्या करेंगे चार दिया हुआ दोनों पक्षों का वर्ग करें, और जब वर्ग करेंगे तो इसको स्क्वायर बराबर चार का स्क्वायर, यहाँ देखिए तोड़िए फार्मूले से, अभी हमने फार्मूला बताया नीचे में यहाँ देखिए आपको इधर बगल में ये जानते हैं कि ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या ऐसे लिखे ए स्क्वायर माइनस टू लिखना है, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ए होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई,